फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। तो मैं संगीता श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल संगीता श्रीवास्तव पे। फ्रेंड्स, आज है बांदा में वोटिंग और अभी हम लोग मतदान कर रहे हैं और जिन लोगों ने नहीं किया तो वो लोग भी अब पहुंच रहे हैं धीमे धीमे। मॉर्निंग में थोड़ी ज़्यादा भीड़ रही होगी, हम लोग तो गए और 15 मिनट में वोट डाल के आ गए क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो बस हम लोगों ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया वोट डालने वाला। अब हार और जीत तो फैसले आने पर ही पता चलेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊं कितनी चिलचिलाती गर्मी। ये अभी सुबह 11 बजे का टाइम ही है जबकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और देखिए सूरज कितना तप रहा है, बहुत तेज़ गर्मी अब पड़ने लगी है और धूप बहुत ही ज़्यादा अब होने लगी है। देखिए फ्रेंड्स, एक जगह से आम आ गए हैं, ये पूरे एक बाल्टी भर के आम हैं। और इसमें कुछ पके हुए भी हैं क्या? ये मम्मी पके हुए हैं क्या? कुछ ये आंधी में गिरा हुआ आम है तो अभी हम लोग इसको छील के और अमचूर जो होती है वो बनाएंगे, और अगर पीसना होगा तो फिर पीस के ड्राई मैंगो पाउडर भी बना लेंगे। तो अभी ये आए हैं और अब हम मेरा और मम्मी का आधा, मम्मी का हिस्सा आधा, मेरा हिस्सा मतलब मम्मी आधा छीलेंगी आधा मैं छीलूँगी। और मैं शाम को जब जाऊँगी तो फिर इसको ले जाऊँगी दुकान में, कुछ वहाँ पर छीलूँगी। तो बस अभी ये पानी भर के हमने रख दिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं मिल रही हूँ आपको सीधे शाम को, और ये हमारे आम छिल चुके हैं जो हमें धूप में फैलाने हैं। तो इन्हें कम से कम 9 से 10 दिन की धूप लगाने के बाद ये कंटेन करने लायक होंगे रखने के लिए। और इसमें गुठली अभी नहीं पड़ी है तो ये चटनी वगैरह बनाने में बहुत ही स्मूथ इसकी चटनी बनती है। कभी चाट वगैरह घर पे बनाओ तो उसी के लिए। और ये देखिए कुछ बचे हुए आम हमने अचार के लिए इस तरह से काट लिए हैं और फिर टेम्परेरी मसाले मिला के टेम्परेरी ये खाने के लिए हमने अचार रख लिया है। और अभी ये डेली खाने के ही काम आएगा और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि अभी इसमें गुठली नहीं पड़ी है। बाकी जो साल भर का अचार रखा जाएगा वो अगले महीने तक रखा जाएगा जब उसमें गुठली पड़ जाती है। और इसके बाद फिर मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। और अभी मैं दुकान में ही हूँ और आपको दिखाऊँ ये गन्ना मशीन की ठेली अभी तैयार हो रही है। ये देखिए बच्चे इसमें गन्ना रख रहे हैं, फिर उसके बाद ये मार्केट निकल जाएगी और फिर आती है सीधे शाम को। और इसमें बर्फ़ वगैरह सब अभी लगा के और जो भी सामान है, और ये स्टार्ट करके अब सीधे चली जाएगी मार्केट। और अभी मैं भी अपनी दुकान में डस्टिंग वगैरह का काम कर चुकी हूँ। और ये मैं दिखाऊँ आपको, हमारे घर में ये पीसा गया है मिक्सी में दलिया, और ये 4 से 5 किलो करीब दलिया होगा। अभी इसको छानना और फटकना बाकी, अभी पीस के रखा है। हम लोग इस समय दलिया ही खा रहे हैं तो ये दलिया घर में बढ़िया से पिस जाता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो ये है दोपहर के 2:30 बजे का समय और घर के जो भी काम होते हैं उन सबसे अभी मैं फ्री हो गई हूँ। और सब ने खाना खा लिया, घर के सब सदस्यों ने खाना भी खा लिया और सब अभी अपना आराम कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ इस रूम में अपना वीडियो बनाने के लिए। तो ये जो मैंने जांचें करवाई थी तो ये सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। और मैं आपको बताऊँ, जो मेरी 5 से 6 जांचें थी तो सब में जांचों में से मेरी एक भी जाँच नॉर्मल नहीं निकली है। जो नॉर्मल लेवल होता है जांचों में जिस भी चीज़ का, तो या तो बढ़ी हुई है या चीज़ें घटी हुई हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए आपको ये जो गोले दिख रहे हैं ये सब प्रॉब्लम है, मतलब बढ़ी हुई हैं चीज़ें या घटी हुई हैं। 3 गोले इसमें लगे हैं और 2 इसमें, ये देखिए। और तो ये सारी चीज़ें मतलब प्रॉब्लम निकली हैं इतनी, यानी चीज़ें अभी नॉर्मल नहीं हैं। और मुझे अभी दवा खानी पड़ेगी और कब तक कितनी खानी पड़ती है पता नहीं है। फ़िलहाल तो मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, प्रॉब्लम है क्योंकि। और अभी मैं दिखाऊँ ये सारी, देखिए दवाइयाँ भी हस्बैंड मेरे ले आए हैं, वही गए थे रिपोर्ट लेने और वहाँ डॉक्टर की सलाह पे वो सब ये दवाइयाँ भी ले आए हैं। ये सब दवाइयाँ मुझे सुबह शाम में खानी है। और एक ये जो टैबलेट है
ये 5 दिन की दवाइयाँ हैं और ये मुझे सुबह खाली पेट लेनी है। तो ये सब दवाइयाँ अभी गर्मियों में, तो ये दवाइयाँ देख के भी डर लग रही, इतनी सारी दवाइयाँ भी खानी पड़ेंगी, जबकि मैं दवाई खाना बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। मीन्स थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में तो मैं खाती ही नहीं हूँ और जल्दी मैं बाम वगैरह भी नहीं यूज़ करती हूँ। तो लेकिन पता नहीं कैसे कहाँ प्रॉब्लम हो गई, हो सकता है इस उम्र में लोगों को हो जाती हो, जैसा जो कुछ भी हो। तो अब मुझे ये दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। तो मैं उस दिन जांच कराने गई थी, तो मैंने कहा था आप लोगों से कि मुझे जैसा जो कुछ भी जांच में निकलेगा तो शेयर करूँगी। मैं गई थी सैटरडे को, फिर संडे पड़ गया, फिर उसके बाद कल वोटिंग पड़ गई, और तो मतलब हॉस्पिटल की छुट्टी थी। आज मुझे रिपोर्ट मिल पाई है। तो ये सारी चीज़ें अब हैं मेरे साथ, और मेरी शुगर निकली है 140। तो डॉक्टर ने अभी मुझे शुगर की कोई दवा नहीं दी है, उन्होंने कहा है परहेज करिए और अपनी शुगर को रिवर्स करने की अभी कोशिश करिए। फ़िलहाल में अभी दवाइयां नहीं दी है, अभी देखिए। अभी वैसे तो मैं परहेज का ही खा पी रही हूँ, लेकिन अभी आने वाले समय में देखते हैं कैसे क्या होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये जो कुछ भी मतलब अब आप लोग भी एक फैमिली फ्रेंड्स ही फैमिली है वो यूट्यूब, तो चीज़ें थोड़ी बहुत अच्छी बुरी जो मुझे ठीक लगता है मैं शेयर कर देती हूँ। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है कि शेयर ना की जा सके, क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज़ है। ये सब मुझे नहीं लगता कि कोई बिना दवा के रहता होगा, थोड़ी बहुत सबको खानी ही पड़ती है, चलती रहती हैं सब चीज़ें, इसमें कोई ऐसी छुपाने वाली तो कोई बात नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी मुझे 5 दिन की दवा खानी है, उसके बाद फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना है, फिर वो आगे बताएंगे क्या मुझे आगे दवाइयाँ लेनी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।